इंडिया के वॉरेन बफेट से मिलो, इंडिया के वॉरेन बफेट। और ये कोई ऐसे नहीं था कि बहुत ही पैसे वाले परिवार से थे तब से, ऐसा कुछ नहीं है। नाम क्या है? राकेश झुनझुनवाला। इंडिया में अगर कोई इन्वेस्टमेंट है इनको नहीं जानता, सवाल ही पैदा नहीं होता। राकेश झुनझुनवाला को हर कोई जानता होगा। नेटवर्थ कितनी है? 430 करोड़ डॉलर्स में बात कर रहा हूं, ठीक है। क्या किया इन्होंने? 1900, वैसे कहते हैं इन्होंने सिर्फ 5,000 रुपए में शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट शुरू की थी, लेकिन इनकी अच्छी डील बताता हूं। 1986 में ऑलमोस्ट तभी इन्होंने शुरू किया था। 1986 में उन्होंने टाटा टी के सिर्फ 3 महीने के लिए शेयर खरीदे। एक शेयर कितने में खरीदा था? 43 रुपए का। वही शेयर सिर्फ 3 महीने में 143 का हो गया, एक शेयर 143। तब उन्होंने कितने रुपए लगाए थे? 2.25 लाख। और वो 2.25 लाख रुपए 3 गुना हो गए थे 3 महीने के अंदर। पूरे दुनिया में घूम लो, ऐसा कोई तरीका बताओ जिसमें आपके पैसे 3 महीने में 3 गुना हो जाए? कोई नहीं, सिवाय हवा हवाई के, है ना। मतलब इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। तो ये 2.25 लाख के 2.75 लाख रुपए कमाए थे, फिर उसके बाद वो रुके ही नहीं। एक और बड़ा गेम खेला उन्होंने, वैसे गेम बहुत सारे खेले इन्होंने। 2003 में उन्होंने टाइटन कंपनी के शेयर खरीदे, एक शेयर 3 रुपए का। टाइटन कंपनी का 2002 में एक शेयर 3 रुपए में मिल रहा था। आज भी शेयर मार्केट में ऐसे बहुत सारे शेयर हैं जो कि आपको पैनी शेयर 50 पैसे में भी शेयर मिल जाएगा, यानी कि 100 रुपए में आप 200 शेयर खरीद लोगे। लेकिन वो कंपनी में आपको विश्वास होना चाहिए कि वो बढ़ेगी क्या, मतलब 50 पैसे की 75 पैसे भी होगी तो आपका पैसा बढ़ गया। तो आपको रिस्क उठाना, और उसके बारे में पता कैसे करना मैं आपको बताऊंगा। बट सस्ते शेयर बहुत होते हैं, आप ऐसा मत सोचो कि 100 रुपए में तो क्या ही आएगा। भाई साहब रुको, 100 रुपए में बहुत सारी ऐसी कंपनी जिनके 1,000 शेयर भी आ सकते हैं। आपको 5 पैसे 10 पैसे 15 पैसे के शेयर मिल जाएंगे कंपनियों के, 50 पैसे 25 पैसे के शेयर मिल जाएंगे, हैं, लेकिन रिस्की हैं। तो वहां पर पैसा गलत है, मतलब अगर आप रिस्की है, अगर आप अपने आप पर विश्वास रखते तो लगाओ, अदरवाइज मत लगाओ। तो चलो, इन्होंने क्या किया, अपने आप पर विश्वास रखा, 3 रुपए का एक शेयर टाइटन का, वो शेयर आज 1500 रुपए का हो गया है। 2002-2003 की बात है, आज 2021 चल रही है। टाइटन कंपनी का शेयर जाके देख लो, 1500 रुपए का शेयर है। उन्होंने तब कितने खरीदे थे? 18 करोड़ के शेयर खरीदे थे, 18 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे थे, 3 रुपए का एक, मतलब 6 करोड़ शेयर खरीदे थे। आज उसकी कीमत लगभग 3.5 से 4 हजार करोड़ रुपए हो गई है। मतलब 18 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए, 21 साल में वो 18 करोड़ 4.5 हजार करोड़ रुपए हो चुके हैं। और रिसेंटली इन्होंने 22 लाख शेयर उनमें से बेचे हैं, अभी रिसेंटली 22,70,000 शेयर बेचे हैं। और वो भी उन्होंने कितने रुपए में बेचे? 344 करोड़ रुपए में बेचे। हिस्ट्रियां पकड़ो भाई साहब, पैसा देखोगे तभी समझ में आएगा कि लोग क्या कर रहे हैं। विजय केडिया, नेटवर्थ 300 करोड़ रुपए। क्या किया इन्होंने 1990 में? ये थोड़ा सा वो दौर है जहां पर 1992 आपने देखा होगा, 1992 स्कैम, मतलब उस टाइम के दौर की बात। 1990 में पंजाब ट्रैक्टर के शेयर खरीदे, 3 साल होल्ड करके रखे, 3 साल में 35,000 रुपए लगाए थे उनको, ये 2,10,000 रुपए मिल गए, 3 साल में 6 गुना हो गई। अब वही 2,10,000 रुपए उन्होंने किसमें लगा दिए? एसीसी में। एक शेयर एसीसी का उस टाइम पे 300 रुपए था, वो 300 रुपए वाला शेयर 2 साल के अंदर ही 3,000 रुपए का हो गया, यानी पैसा 10 गुना हो गया। 2 लाख रुपए लगाया था, 2,10,000 रुपए लगाया था, 21 लाख रुपए कमाया उन्होंने, विजय केडिया। और आज नेटवर्थ 300 करोड़। जब जिसको पता लग जाता है कि शेयर मार्केट में बहुत पैसा है, फिर वो नहीं रुकता, फिर उसको लगता है कि यहीं रहना है, अपने को यहीं से पैसा कमाना है। एक और पकड़ो, यह है पोरिंजू। इनकी खुद की इन्वेस्टमेंट फर्म है, ये काफी लोगों के पैसे इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन खुद भी बहुत अच्छे इन्वेस्टर है। 2013 में इन्होंने फोर्स मोटर्स का शेयर खरीदा था जो 420 रुपए का था, आज वो 3,000 रुपए का। आप अंदाजा लगाओ कि कितना पैसा कमाया होगा। ऐसे उन्होंने यहाँ पर ये वोक हेड, इनका भी शेयर खरीदा 125 रुपए का, वो 2,000 रुपए का हो गया। तो ऐसे करके और एग्जाम्पल, ये सारे इंडियन है। अब आ जाओ, ये है बहुत बढ़िया, डी मार्ट, इनकी खुद की कंपनी लिस्टेड है, रमेश दमानी, जानते हो इनको? 1100 करोड़ की बर्थ है इनकी। इनका देखो इन्होंने क्या किया, ये कोई जुआ नहीं है, इन्वेस्टमेंट है, समझदारी है, जो कर लेता है उसको पता लगता है। 1993 से 1999 तक उन्होंने इंफोसिस के शेयर होल्ड करके रखे 6 साल, 10 लाख रुपए लगाए थे इंफोसिस कंपनी में। मेरे भी शेयर है इंफोसिस कंपनी, मेरी फेवरेट है, मैंने उसका शेयर बहुत ऑलमोस्ट 500-600 रुपए के करीब था तब खरीदा था, आज भी उसकी कीमत 1300 रुपए है। बहुत बढ़िया कंपनी है, फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेरा फेवरेट शेयर है इंफोसिस। मैं अपने फेवरेट शेयर बताऊंगा आपको, तो मेरा इंफोसिस मेरा फेवरेट शेयर है। टीसीएस हो गया, इंफोसिस हो गया, विप्रो हो गया, दीज 3 कंपनीज आर रियली गुड।
आज वो इंफोसिस का शेयर आप जरा सोचो, 10 लाख रुपए लगाया था, समझ रहे हो, 6 साल के अंदर वो 100 करोड़ रुपए हो गया। अब आप अंदाजा लगाओ, 100x की ग्रोथ हो रही है, समझ रहे हो। अब आ जाओ और रामदाव अग्रवाल, 1200 करोड़ की इनकी नेटवर्थ है। क्या किया इन्होंने, हीरो मोटोकॉर्प, बहुत बढ़िया, ये मेरी फेवरेट कंपनी है, सबकी फेवरेट कंपनी है ये, इंफोसिस मेरी बात नहीं है, सबकी, मेरे पास भी इसके शेयर है। हीरो मोटोकॉर्प 30 रुपए का एक शेयर था, आज 2600 रुपए का शेयर है। अब अंदाजा लगाओ, 10 लाख रुपए लगाए थे, 8.6 करोड़ रुपए उनको मिले। अब अंदाजा लगाओ जरा कितना पैसा हो रहा है, कैलकुलेशन में मत जाना, पैसों पे जाना कि पैसे किस तरह से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 30 रुपए का शेयर 2600 रुपए का हो गया, 86x की ग्रोथ हुई 1995 से आज तक उन्होंने होल्ड करके रखे अपने पास, दिए ही नहीं।